महाराष्ट्र में एक बार फिर से नवी मुंबई पुलिस की टीम ने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई में एक दो नहीं बल्कि कई बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से पूरी तरह से यहां पर बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि नवी मुंबई पुलिस टीम और मुंबई की पुलिस टीम पिछले काफ़ी टाइम से लगातार एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां कर रही है, खास करके ड्रग्स मामले में। खास करके समीर वानखेड़े एनसीबी की जब टीम से उनकी तरफ से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में पुलिस ने कहा कि ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को 6 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस द्वारा लगभग 75 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और वर्तमान में पुलिस अधिकारियों द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी में उनकी संलिप्तता और उनके राष्ट्रीयता दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर 75 विदेशी नागरिक जो है पकड़े गए हैं। सीधे सीधे नवी मुंबई की पुलिस की टीम ने जब रेड मारा तो इनको जो है ड्रग की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। बाय द वे इनसे पूछताछ की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम पे और क्या बड़े खुलासे होते हैं। तलाशी और जब्ती अभियान में 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। पुलिस ने कहा कि कोकीन और ट्रामाडोल सहित 2 करोड़ रुपए की दवाएं जो है जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे के निर्देश पर शहर के 6 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें नवी मुंबई के वासी, खोपर खैरड़े, घारघर और घनसोली शामिल है। पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और अपराध शाखा इकाई ने 600 से अधिक अधिकारियों और कांस्टेबलों के साथ में संयुक्त छापेमारी की थी। बाय द वे, जिस हिसाब से ये कार्रवाई की गई है उससे ये लगता है कि आने वाले टाइम पे इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि 75 विदेशी नागरिकों को पकड़ना इतना आसान नहीं कि आखिरकार ये सारे लोग एक ही चीज़ में संलिप्त हों। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएँ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।